जो लोग कहते थे कि विसर्जन हो जाएगा, जो लोग कहते हैं कि हम ही जीतेंगे, खूंटा यहीं गाड़ेंगे, अब उन लोगों से पूछिए कि भाई बिहार की जनता का जनादेश चाहिए या आपके पार्टी का जनादेश चाहिए। ये सरकार तो तब से बना रहे हैं, जब 2020 का जो चुनाव हुआ है उस समय से वो सरकार बना रहे हैं, और तब से अभी तक रोज़ सरकार ही बना रहे हैं। रोज दिन अखबार में कुछ ना कुछ बयान देखते हैं कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की दो सीटों पर उपचुनाव हुए, जीत अंतोगत्वा एनडीए की हो गई। और अब जब लालू प्रसाद का पूरा परिवार दिल्ली रवाना हो चुका है, तो अब शराबबंदी जैसा मुद्दा जो है बिहार पर फिर गहराने लगा है। इस वक्त बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार हमारे साथ है। सबसे पहले तो आप लोग जीत गए, लालू प्रसाद का पूरा परिवार दिल्ली चला गया, कहने लगे कि तबीयत खराब हो गई, क्या लगता है पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है? देखिए, हम लोग शुरू से कह रहे थे कि बिहार की जो जनता है वो नीतीश कुमार के विजन को चाहती है, विकास चाहती है, तरक्की चाहती है, अमन चाहती है, शांति चाहती है, भाईचारा चाहती है, और उनके विजन के अनुसार ही नीतीश कुमार जी को मैंडेट मिला है। और सबसे पहले तो वहाँ के जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि दो विधानसभा की जनता ने एकजुट होकर के नीतीश कुमार जी को के हाथ को मजबूत किया, समर्थन किया और दोनों उम्मीदवार को विजय बनाया। जो लोग कहते थे कि विसर्जन हो जाएगा, जो लोग कहते हैं कि हम ही जीतेंगे, खूंटा यहीं गाड़ेंगे, अब उन लोगों से पूछिए कि भाई बिहार की जनता का जनादेश चाहिए या आपके पार्टी का जनादेश चाहिए। अगर आपके पार्टी का जनादेश चाहिए तो आप तो जीते हुए हैं। वो तो दावा कर रहे थे कि दो सीटों पर जीतेंगे तो बिहार में सरकार बना लेंगे। नहीं, ये सरकार तो तब से बना रहे हैं, जब 2020 का जो चुनाव हुआ है उस समय से वो सरकार बना रहे हैं, और तब से अभी तक रोज़ सरकार ही बना रहे हैं। रोज़ दिन अखबार में कुछ ना कुछ बयान देखते हैं कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। तो सरकार बनाना इतना आसान नहीं है, जिसको जनता का विश्वास होगा, भरोसा होगा जनता को, वही सरकार बनाएगा। लेकिन मंत्री जी, देखो शराबबंदी का मुद्दा काफी गहराया है, आप भी अखबार में पढ़ते होंगे, बेतिया और गोपालगंज में लगभग 30 से अधिक लोग मर गए जहरीली शराब पीने से। आप कह रहे हैं कि कानून पुख्ता तरीके से लागू है, तो फिर ऐसे कैसे मिस्टेक हो जाएगा, लोगों की जान जा देखिए, रही है? घटना जो हुई है वो दुखद है, और इसकी पुनरावृत्ति आगे नहीं हो इसकी पूरी तरह से सरकार कोशिश कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल पर भी समीक्षा हुआ है, और माननीय मंत्री भी, उस विभाग के माननीय मंत्री भी काफ़ी गंभीरता से इस काम में लगे हुए हैं। तो जो छिटपुट घटना हो रही है उस पर सरकार नियंत्रण करने की दिशा में कार्रवाई कर रही है, पहल कर रही है, और छिटपुट घटना तो होती रहती है। विपक्ष तो कह रहा ना कि आपके शराबबंदी ने जो दावा किया, आपने जो दावा किया चुनाव में वोट ले लिया, शराबबंदी तो बिहार में फेल है, हर जगह मिल रहा है। नहीं, कहने का मतलब है कि हर जगह पर पुलिस तो खड़ी नहीं रहती है, लेकिन अगर इस तरह के कृत्य करने वाले लोग हैं और इस तरह के काम में संलिप्त हैं तो पकड़े भी जा रहे हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी हो रही है, और बड़ी से बड़ी कार्रवाई भी हुई है। और मैं समझता हूँ कि शराबबंदी से जो लाभ हुआ है, गरीबों को लाभ खास करके ज़्यादा हुआ है, जो जिसके घर में दोनों टाइम भोजन नहीं बनता था उनके घर में भोजन बन रहा है, जिसके बच्चे कभी मिठाई नहीं देखे वो मिठाई खा रहे हैं, जिसके बच्चे कभी दूध नहीं पिए थे वो दूध पी रहे हैं। तो जो 300 रुपया अगर रोज़ कमाता है तो 300 में 300 का बाहर उड़ा देता था, आज 300 में तो 25 रुपया बाहर उड़ाता है, और वहाँ पर 125 रुपया घर पहुँच जाता है, उससे घर परिवार उसके खुशहाल हो रहे हैं। तो एक तरफ तो कुछ नुकसान हो रहा है जिस तरह से घटनाएं हो रही है, और कुछ लोग साजिश के तरह इस तरह के घटना कुछ जांच हो रही है। मानते हैं कि कुछ लोग साजिश के तरह इस तरह के धंधेबाजी कर रहे हैं? नहीं, कुछ लोग धंधेबाजी करते हैं तो पकड़े भी जा रहे हैं, और इस तरह के कृत्य करने वाले लोग ज़्यादा दिन तक बचेंगे नहीं, सरकार के शिकंजे में होंगे, कानून उनके लिए काम तो कर रहा मुख्यमंत्री ने कहा है कि हाँ पर्व के बाद, इस छठ पर्व के बाद बड़ी कार्रवाई होगी, तो आपको लगता है कि एक बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जरूरत है, जिसमें कई अधिकारियों पर भी अब जांच बैठानी है? नहीं, होगी? इसमें तो अधिकारी अगर हो तब, पब्लिक हो तब, कोई राजनेता हो तब, जो लोग इस धंधे में संलिप्त रहेंगे वो किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं हैं। अब घटना हो गई है तो उसकी हम लोग निंदा ही कर सकते हैं, ये घटना बहुत दुखद है, किसी परिवार के लिए, किसी व्यक्ति के लिए बहुत दुखद घटना है। देखिए, घटना काफ़ी दुखद है और आगे बिहार में ऐसा ना हो, लेकिन शराबबंदी से जो फायदा हुआ है उसे भी देखना चाहिए। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार हमारे साथ थे, उन्होंने विपक्ष को जहां एक तरफ जवाब भी दिया है, वहीं शराबबंदी जैसे इस घटना पर, जहरीली शराब को लेकर,
जिस तरीके से 30 से अधिक लोगों की मौत हुई है उस पर निंदा जताई है और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा की है, आगे इस छठ महापर्व के बाद बड़ा एक्शन जरूर होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।